हेलो एवरीवन एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्सकीड़ा ईस्पोर्ट्स न्यूज में। मैं हूं हिमांशु एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी की वापसी की डेट के बारे में। तो पबजी वापस आने वाला है ये तो सबको पता चल ही गया है। पबजी ने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दिया कि पबजी इज कमिंग सून, तो इसी के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि डेट कब आने वाली। ये तो पता चल गया कि वापस आ रही है, लेकिन कब आ रही है ये किसी ने अभी तक नहीं बताया, तो वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें एंड अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे लगे लाल बटन को दबाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो यही है कि पबजी क्या क्या होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। तो पबजी इंडिया एक नया वर्जन आने वाला है पबजी का, जिसमें जो पहले जो रेड ब्लड स्टेन होते थे वो ग्रीन हो जाएंगे। उसके अलावा और भी दो तीन चीज है। 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ आ रही है पबजी इंडिया में, वापसी कर रही है, काफी बड़ा पैसा लगा रही है पबजी। उसके पीछे बहुत सारे ई स्पोर्ट्स इवेंट, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी पबजी के साथ इंडिया में। तो अब आते हैं कट टू मेन बात पे कि पबजी इंडिया में कब खेलने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा प्ले स्टोर और एप स्टोर पे पबजी इंडिया वर्जन। तो जैसा कि सारे इन्फ्लुएंसर्स इतने टाइम से हिंट कर रहे थे और PUBG ऑफिशियल का जो YouTube चैनल है उसका आप कवर देख सकते हो, वहां पे दिवाली के दिए लगे हुए हैं। तो इससे ये चीज काफी ज्यादा क्लियर है कि दिवाली पे आने वाला है PUBG का ये नया वर्जन। एंड मुझे इनसाइड सूत्रों से भी यही पता चला है कि 13 या 14 नवंबर को, 13 को रात में 12 बजे, या मतलब 14 की रात को 12 बजे बोल सकते हैं, या 14 को दिन में, या 13 को शाम में कभी भी आ सकता है PUBG। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि कुछ ही घंटों में, मतलब अभी 5 हो रहे हैं 12 तारीख के, तो ज्यादा से ज्यादा 14 तारीख को 5 बजे तक तो आ ही जाएगा। तो मतलब अगले 48 घंटे में आप सभी मोबाइल पे अपने खेलते हुए दिखेंगे PUBG मोबाइल का इंडियन वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे और भी ढेर सारी खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।